बड़ा बड़ा छुप छुप कर देख लिया, आज ख्वाजा अजमेरी का इस्लाम फिर उभरने वाला है। वो वक्त आपके जहन में होगा कि कभी पृथ्वीराज आता है, कभी जयपाल आता है, कभी कोई जादूगर। शाम से कहां से? शाम से सात जादूगर निकले और पहुंचे ख्वाजा साहब के पास। वहां पर शाम के निकले जो आतशपरस्त थे, आग को पूजने वाले थे, आग को पूजते वहां पर निकले। हजरत ख्वाजा साहब ने पूछा, वो तुम आग को क्यों पूज रहे हो? कहने लगे, इसलिए कि ये आग है, ये जलाती है, हम इससे ताल्लुक कायम कर रहे हैं, इबादत करके इसको अपने करीब कर रहे हैं, ताकि ये हशर वाले दिन हमें ना जलाए। वाह बेवकूफ हो, बेवकूफी की इंतहा देखो। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह तआला अलैह, आपने इरशाद फरमाया, और तुम क्या कहते हो, ये आग तुम्हें हशर वाले दिन, इसका मतलब तुम्हारा ये यकीन है कि हशर वाले दिन भी इसने दोबारा तुम्हारा इम्तिहान लेना है, तो फिर सुनो, आओ उसकी बात करते हैं जिसने इस आग को भी पैदा किया है, उसकी बात करते हैं जिसने सलामती को पैदा किया है, उसकी बात करते हैं जिसने मौत को पैदा किया है, उसकी बात करते हैं जिसने तुम्हें भी पैदा किया और मुझे भी पैदा किया। वो कहने लगे, वो किस तरह? फरमाए, तुम जिसको कहते हो कि तुम्हें बचा लेगी, ये आग हशर में अभी अभी सुनो, ये आग तुम्हें ना आज कुछ कह सकती है ना हशर में। पूछा कैसे? फरमाए, ये देखो, जूता फेंका। ख्वाजा साहब ने क्या फेंका? अपनी जूती फेंकी आग के अंदर, आग कुछ ना कह सकी, आग कुछ ना कह सकी। अब वो शामी आतश परस्त जब ये मंजर देखते हैं, ख्वाजा साहब का चेहरा देखते रह गए, ख्वाजा साहब मदीने की तरफ देखते रह गए, कहने लगे, और मेरी तरफ मत देखो, ये फैज मदीना रसूल से आ रहा है, और मुस्तफा के बेटे का ये मकाम है, तो मुस्तफा की अजमत का आलम क्या होगा? कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गए, कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गए। अच्छा, मैं एक बात आपसे ये वादे कर दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ख्वाजा साहब का नारा इसलिए बुलंद किया है कि हिंदुस्तान के अंदर फिर औलिया के जरिए फैज आम होगा। ख्वाजा साहब ने 90-95 लाख को मुसलमान किया, कोई एक भी कत्ल नहीं किया, कोई एक भी कत्ल है? बोलो ना, अगर कोई अनासागर का दावेदार आया, पानी का दावेदार आया, तो आप हमें अपना पानी संभाल, बस हमें एक लोटा लेने दो, हमें एक कासा ले लेने दो। आपने अपने खादिम को भेजा, किसको भेजा? खादिम को भेजा, जा पानी भर, और जा मेरा कह दे उसको, अनासागर को पानी, वही सारे का सारा, बल्कि जितने भी तालाब थे सब का पानी इधर आ गया। अब वो जो पानी नहीं देने दे रहे थे, पीटने लगे। यहाँ पर एक बात मेरे जहन में आ रही है, वो बात मैं जरूर अर्ज करना चाहूंगा। एक मुल्ला है, आजकल मदीना शरीफ में बहुत भौंकता है, समझ आई आपको? क्योंकि मैं तो हर हफ्ते उधर होता हूँ, खुदा की कसम अभी 2 दिन हुए मदीना शरीफ से आए हुए, और ये क्योंकि वादा कर लिया था, तो इन मजबूरियों में एक आपकी मस्जिद भी मजबूरी थी वापस आने में, वरना 2 तारीख को मेरी पाकिस्तान की, वहां से फिर हफ्ते के बाद वापस आना था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन मजबूरियों में एक ये मजबूरी थी, एक और भी थी, एक ये भी थी, तो मैं वापस वहां से आया हूँ। तो मैंने उसको देखा है, एक शख्स से वो बात कर रहा था और कह रहा था, यहाँ लेने के आते हो? यहाँ लेने के आते हो? क्योंकि हमें तो वो पहचानते हैं, हमारे सामने ज्यादा वो इस तरह की बकावट नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि इन्होंने जवाब पहले तो देना नहीं है, और अगर दिया तो फिर हमसे लेने नहीं होगा। खैर, बात उसने, बंदा था कोई बेचारा नौजवान, बड़ा मोहब्बत वाला, इधर क्या लेने आते हो? तो उस नौजवान ने कहा कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद और सलाम के लिए आते हैं। उसने कहा तो दुरूद और सलाम आप उधर ही पढ़ लिया करो, यहाँ आना को जरूरी है, नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। उसने कहा कि बात सुनो, कुरान ने वलौ अन्नहुम ज़लमू अन्फुसहुम, जाओ को कहा है कि नहीं? वो कहने लगा, ये कुरान का हुक्म, तो फिर आप कुरान पढ़ के आए हो? कुरान तो 14 सदियां पहले का है, और तब हुजूर जिंदा थे, तब आप आते थे। उसने कहा कि भाग इस तरह ना बताओ। कहने लगा, ये हुजूर तुम्हें कुछ नहीं दे सकते, नाऊज़ु बिल्लाह। आगे जो बात उसने कही, कहने लगा कि अगर दे सकते होते तो करबला में अपने नवासे को दे देते। अब मुझे ये बात बताओ कि ऐसे लोगों के हाथ में ये पाक जगह होनी चाहिए? बोलो ना। मैंने ना इस बार
एक बड़ा हिकमत के साथ एक काम किया है। एक मौलवी आया, मैंने मेरे पास खड़ा हो गया। मैं वैसे सलाम के लिए जब भी आ रहा था सलाम के लिए खड़ा हुआ तो मुझे कहता है कि आप यहाँ से चले जाए। मैंने ना ऐसे ऐसे यही मेरा ये कमीज दूसरी थी, मैंने ऐसे उठा लिया। मैंने कहा भाई अब आपका दौर खत्म होने वाला है। मुझे कहते हैं कि क्या आप बकवास कर रहे हैं। मैंने कहा बकवास नहीं कर रहा, अल्लाह ताला मोहम्मद बिन सलमान को जिंदगी दे। ये मैंने उसके सामने कहा हिकमत के तौर पर। मैं मोहम्मद बिन सलमान समझते हो ना, मैंने कहा अल्लाह उसे जिंदगी दे। मैं आपको मैं मुसल्ला रसूल पर हूँ, मिंबर रसूल पर मस्जिद में बैठा हूँ। मैंने जब कहा मोहम्मद, वो कहता क्या मतलब। मैंने कहा कि मोहम्मद बिन सलमान अब तुम्हारी बात खत्म करने वाला है। क्यों? कि वो कुछ और प्रोग्राम लेकर आ रहा है। कहने लगा अच्छा, ये बात करते ही भाग गया निकला। मैंने कहा तुम बोलो अब जो बोलना है। यानी ये उनकी औकात है, ये उनकी औकात है। मैंने कहा बोलने की इसको जरूरत नहीं, बस ये दुआ दे दो किसी दूसरे को, किसी दूसरे के जो इनके ऊपर कंट्रोल करता है। हालत इनकी फकत ये है। तो मैंने कहा ये कहते मोहम्मद, यानी ये हुजूर अगर दे सकते होते तो अपने नवासे को देते। मैंने कहा अकल के अंधे, तुम्हें काश के पता होता कि नवासे का मकाम कितना बुलंद वाला है। तुम्हें पता होता नवासे की शान कितनी आला है। तुम्हें पता होता कि नवासे की अजमत कितनी बुलंद वाला है।